गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, चलेंगे आज, गुड नाइट, जैसा मर्जी समझें। आज हम टॉपिक रिटायरमेंट में थे, हमने कुछ पिछले रिटायरमेंट के दो लेक्चर लिए थे, आज हम उसकी प्रॉपर्टीज में चल रहे हैं। टॉपिक आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट 4.2 है, एलिमेंट्स की बोर्ड एक्सरसाइज है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 या 6 मार्क्स का, इसमें से अच्छा क्वेश्चन है, इसको कराते कराते थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, अगर डिटेल में हम इसको जाते हैं तो, यानी बस 1-2 दिन में कराए, 2 लेक्चर में खत्म नहीं, इसमें लग जाते हैं लेक्चर। इससे पहले अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हम एक प्रूफ छोड़ गए थे, हमने इसको याद कर लिया था, मैं पहले पिछले लेक्चर का एक प्रूफ दे दूँ, अगर तुम्हें याद हो 2 × A 2 बाहर आता था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू डिटर्मिनेंट, मैंने इसका प्रूफ छोड़ दिया था, ये कह के कि मैं नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही शुरू करूंगा तो मैं इसका प्रूफ दूंगा जैसे एग्जाम्पल। इफ ए इज 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, देन 2 × A का डिटर्मिनेंट, 2 ऑर्डर लेके निकले किसका बना मैट्रिक्स ए का, इंटू डिटर्मिनेंट 2 × A का डिटर्मिनेंट 2³ × A, ये इसका आंसर है। प्रूफ सर, प्रूफ पूछा है, प्रूफ लीजिए। एग्जाम्पल, मैंने मान लिया मेरे पास ए दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच के, समझ रहे हैं, देन 2 × A का डिटरमिनेंट, लेफ्ट हैंड साइड उठाना, प्रूफ करना है 2 × A का डिटरमिनेंट, 2³ डिटरमिनेंट है। इससे पहले हम डिटरमिनेंट में कुछ चीजें डिस्कशन कर चुके हैं, मैट्रिक्स के अंदर जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे सबसे मल्टीप्लाई होता था, मेरी अगर बात याद आती है तो, और डिटरमिनेंट में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, अगर आप समझो तो, ये मैट्रिक्स है। एग्जांपल, लेट ए क्या ले ली, बी 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, अगर समझो तो लेफ्ट हैंड साइड उठा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 2 × A, 2 × A का मतलब क्या होगा 2 × ABC DFGHK, तो मल्टीप्लाई करा दो, क्या था ए, क्या है बताओ, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्केलर से, कौन सी एक्सरसाइज 3.2, कैसे करोगे 2 को, ऐसे 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन ऑल ईच साइड, ये क्या लिया बाय 2, ये 2 × क्या आ गया ए, दोनों तरफ डिटरमिनेंट दे लो, टेकिंग है जो जैसा, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, अगर कोई समझिए तो जैसे ही मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट दिया, ले लीजिए दोनों तरफ डिटरमिनेंट, तो 2 × A का डिटरमिनेंट आ गया, इसका भी डिटरमिनेंट आ गया 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2K, अब क्या बन गया ये, अब ये क्या बन गया, क्या बन गया, क्या क्या डिटरमिनेंट, जब हम डिटरमिनेंट से कॉमन लेते थे तो किसी एक रो किसी एक कॉलम से कॉमन आ जाता था, ये क्या बन गया डिटरमिनेंट, अब क्या लेंगे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 1 में से, 2 कॉमन ले लो फ्रॉम रो 1 में से, जैसे ही 2 बाहर आ जाए ये कितना आ गया ABC, ओह तो डी था, सी कैसे रह गया, 2D 2E, कॉमन फ्रॉम कहाँ से लिया, रो 1 में से, क्या रो 1 में से ले सकते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई हुई है 2F 2G, अपने पिछला वाला लेक्चर वीडियो खोल लो, अब ऐसी 2 इसमें से कॉमन ले लो, टेकिंग 2 कॉमन कहाँ से, फ्रॉम रो 2 से, 2 × 2 बस DEF 2G 2H 2K, अगेन टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 3 में से,
2 into 2 into 2 मतलब 2 cube, आबासा डी जीएच के इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से, हु इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज डिटरमिनेंट, व्हाट विल कम, 2 क्यूब फ्रॉम 1 से क्या बन गया, वाई डिटरमिनेंट है, वाई डिटरमिनेंट ब्रैकेट देखो क्या है, दोनों तरफ क्या ले चुके थे, तो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट में चेंज करा चुके थे, पहले ब्रैकेट ये क्या है मैट्रिक्स और ये क्या है डिटरमिनेंट, तो 2 का क्यूब इनटू क्या आ गया, सोचते रहिएगा पहली प्रॉपर्टी, चलने भैया 4.2 में इंपॉर्टेंट है, चलिए भैया पहली प्रॉपर्टी है चलेंगे तभी काम निकालेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेगा इंडिया, पहली प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम इज जीरो, रो का हर एलिमेंट या कॉलम का हर एलिमेंट कहता है जीरो हो चाहिए, तो ऐसे सारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती थी, रो का हर एलिमेंट, कौन सी रो का, किसी भी रो का आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए बी सी 0 0 0 डी ई एफ क्या आ जाएगा आंसर, किसी भी कॉलम का भी आ सकता है, डिटरमिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते थे डी टी बी से ए बी सी डी ई एफ 0 0 0 तो आंसर क्या आएगा, दूसरी प्रॉपर्टी समझ आ गया कोई डाउट है तो बोलो सर, अगर ऐसा आ जाए तो अरे बोलो ना फिर, रो का कोई हर एलिमेंट जीरो आ जाए, कॉलम का भी जीरो आ जाए बी सी डी ई तब भी जीरो होगा, ऑब्वियस है रो का एलिमेंट जीरो तो क्या आ जाएगा जीरो, अगर सर ऐसे आ जाए 0 0 बी सी जीरो डी ई एफ ऐसे आ जाए जीरो तब भी जीरो होगा, वो का केस समझदार है, प्रॉपर्टी पढ़ ली, क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो प्रॉपर्टी से दूर हो जाते हैं, अगर आप ये पूछते हो सर डायगनली, अगर डायगनल में जीरो आ जाए तो, वो सर जी पढ़ो जरा, वो कहते हैं क्या ईच एलिमेंट ऑफ रो, ठीक है बेटा हर एलिमेंट किसका रो का और किसका वाला कॉलम का जीरो आ जाए तो क्या होगा जीरो, सेकेंड है कहते हैं इनको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इनको सीधा आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज में, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आएगा जीरो, फिर से इफ ईदर आइदर टू रोज और टू कॉलम्स और है और या टू कॉलम्स कॉलम्स आर आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है सेम, कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, कोई भी दो रो दो कॉलम क्या हो जाए सेम हो, जैसे डिटरमिनेंट दिया हो ए बी सी है डी एफ है ए बी सी है, भले ही रो वन है रो थ्री है इसको छोड़ के है फिर भी जीरो होगा, जीरो होगा कैसे सर, एक्सपेंड करा लो, हियर आर वन एंड आर थ्री आर सेम है तब भी आंसर क्या होगा जीरो, सर एक्सपेंड करा के देख लो, डेल्टा से भी डिटरमिनेंट को डिनोट करते थे, ए बी सी है जूनियर बी सी हो 1 2 3 है 5 4 2 है 5 4 2 है, कौन सेम आ गए कॉलम टू और कौन सेम आ गए कॉलम थ्री आर सेम, हियर कॉलम टू कॉमा कॉलम थ्री आर आइडेंटिकल तो क्या जीरो आएगा, बिल्कुल जीरो आएगा, समझ भी रहे हो, हाँ जी बोलो बोलो क्या पूछ, अरे बिंदास हो गए पूछ, टेंशन नहीं लेने का, क्या कह दूंगा मैं ज्यादा कुछ कहूंगा, वीडियो में से निकल के तो आने से रहा तो कुछ भी कह दूंगा कोई बात नहीं, कहा तू समझ चीज को, पूछना पूछ बिंदास हो गए पूछ, हाँ बोल सर, अगर तीन रो सेम आ जाए तो ए बी सी
दो रो सेम है का के तो क्या आ गया, तीन सेम होगी तब भी जीरो। और कुछ है मन में? हाँ है, बहुत फिर यार क्यों टेंशन ले रहे, टेंशन से के ए बी सी डी ई एफ जी। सर अगर जी, हाँ जी, ये क्या है सर रो वन, ये क्या है सर कॉलम वन, रो वन एंड कॉलम वन आर सेम आ जाए तो मैं कहूंगा आजो, कहूंगा प्रॉपर्टी पढ़ो। सर जी प्रॉपर्टी पढ़ो, पहले प्रॉपर्टी क्या आइदर टू रोज क्लियरली लिखा हुआ है, पढ़ लो आइदर टू रोज और टू कॉलम्स, या तो दो रो या दो कॉलम, ऐसा नहीं होना चाहिए एक रो एक कॉलम, ऐसा नहीं होना चाहिए एक रो एक कॉलम सेम आ गए तब भी जीरो हो जाएगा, नहीं काके जीरो नहीं होगा। यस 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 तीसरा है, अगर एलिमेंट रो वाइज एंड कॉलम वाइज एपी में हो जाए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो इफ ईच रो, जो इफ एलिमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इन एपी, एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो एज वेल एज, ये रो लिखा भाई, एज वेल एज कॉलम्स आर इन अप्पा, अप्पा एपी में हो गए हैं, डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है 1 2 3 5 4 6 7 8 9, सोचते रहिएगा डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी ए प्लस फाइव डी ए प्लस सेवन डी ए प्लस एट डी। बताओ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताओ वन का, कॉमन डिफरेंस बताओ वन का, कॉमन डिफरेंस बताओ वन का, रो वाइज सबका कॉमन डिफरेंस कितना है वन है, कॉलम में कॉलम डिफरेंस देखो कितने का है, कॉलम वाइज कॉलम कॉमन डिफरेंस बता दो कोई बच्चा आप में से, इधर देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है थ्री, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है थ्री, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है थ्री, तो कॉलम वाइज भी कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस कितने का है डी, कॉमन डिफरेंस कितने का है थ्री डी का, तो कहता है रो वाइज भी सेम है, तो दीज आर ऑलवेज जीरो, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। रो में भी सबके कॉलम कॉमन डिफरेंस वन का है, कॉलम में भी सबका कॉमन डिफरेंस कितना है सेम है थ्री का ही हो रही, तो इनके आंसर क्या हो जाएंगे, इनके आंसर क्या हो जाएंगे बता दे करके जीरो, ये बोला गया, सोचता रही हूँ अगली प्रॉपर्टी है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। फोर्थ है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इफ रोज आर इंटरचेंज, इंटरचेंज का साइन ही होता है, इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को किसमें चेंज करा लो, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को किसमें चेंज करा लो, कहने का मतलब क्या हो गया है? मैं थोड़ी देसी भाषा में बोलूं तो ए बी सी डी एफ जी एच के आबा सा डी एफ जी एच के, इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, सोचना 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 ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या कहते हैं, जो रो वन थी वो किसमें चेंज हो जाएगी कॉलम वन में, बस 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 वैल्यू क्या आएगी क्या आएगी क्या आएगी सेम। नहीं समझ आया आज कोई बात नहीं, ये तो बेटा तुम्हारा हक है, तुम्हारा समझना या पूछना तुम्हारा बिल्कुल हक है और हमारी ड्यूटी है उस चीज को बताना। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, जब तक रहूंगा टेंशन नहीं लेगा, समझ रहा है, 1 2 3 आगे का नहीं पता, 0 2 0 या चलो 3 चलो, कहता है ये दिया हुआ डिटर्मिनेंट,
मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है, एक रिक्वेस्ट है, ओह एक्सलेंट लिख दिया, एक्सपेंड कर दिया, एक रिक्वेस्ट है, जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ ये मत पूछना कैसे, बस थोड़ा सा जल्दी प्लीज, इसको हाइड कर दिया, 15-2 लिखूँ, ये तो फिर भी लिख रहा हूँ, अगली बार प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, 2 को हाइड करूंगा, 2 को, 2 को हाइड करूंगा, 12-0 लिखूँ, अगली बार 3 है, जिस रोज जिस कॉलम आएगा 8-0 लिखूँ, 13, 24, 24, कितना आ जाएगा, नाउ ए का ट्रांसपोज कर लो, उसका डिटरमिनेंट कर लो, जो रो थी वो क्या चेंज हो जाएगी, 4, 5, 1, कर दो फटाफट से, वो कर दो फटाफट से, देखो फिर 1 this minus this -4 this minus this कितना आ गया 13, देखा था फटाफट कर दिया, नहीं समझे हो, चल कोई बात नहीं, बैठो 1, चलो 15-2 -4 6-6 + का 0 छोड़ दो, 13-0 + 0 कितना आ गया, नहीं नहीं बोल रहा था, सोचते रहना, 5th वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जो वैल्यू होगी वो किसकी बोला डिटरमिनेंट की, इज नेगेटिव हो जाएगी, वैल्यू डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, कब कब कब, अब इफ एनी टू रोज, कोई भी दो रोज और एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम्स को आप क्या करा दोगे, इंटरचेंज, क्या मतलब बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल इंटरचेंज का मैंने साइन बता दिया, इंटरचेंज का साइन ये होता है, जैसे एग्जांपल डिटरमिनेंट ए दिया जी एच के, ये कौन सी है, रो वन पता ही होगा, मैंने R1 को इंटरचेंज करवा दिया R2 में, कहता है जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये R1 ये क्या आएगा R2, DF ABC GHK, अब R1 को या C1 को इंटरचेंज करा दो इसमें वाला R3 में, तो एक साइन और नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, GHK ए बी सी डी एफ, दो कॉलम को इंटरचेंज करा दो, कॉलम टू इंटू कॉलम थ्री, ऑब्वियसली मुझे बताया नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लिख सकते हो बिल्कुल लिख सकते हो, वो तो मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ, जी ए डी के सी एफ एच बी ई, ये क्या था कॉलम टू, ये क्या था कॉलम थ्री, आपस में चेंज कर दिया, अब रो वन को इंटरचेंज करा दो कॉलम टू में, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्यों भला, पढ़ो भला, any two row या तो दो row any two columns, या तो दो row को interchange करा सकते हो, या तो दो row को interchange करा सकते हो, या तो दो row को, या फिर दो column को, ऐसे नहीं करा सकते कि मैंने एक row को change कराना है R1 को किसमें वाला column 2 में, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, कगे नहीं चलता, example है, क्या कहना चाहता हूँ, determinant है 1, 2, 3, 2, 0, 4, 0, 2, 3, 2, वो कहता है इसको एक्सपेंड कर लो, 1, 0 - 12 - 2, 4 - 0, 3, 6 - 0, - 12 - 8 + 18, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 2, सोचते रहना, अब मैंने क्या किया R1 को ही या R2 को, जिसमें मर्जी R2 को इंटरचेंज करा दो R3 में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू देख रहा हूँ क्या आएगी, तो कहता है ये था मेरा R2, ये क्या था R3, सर R1 को भी करा सकते हो, किसी को भी कराना, बोल तो दिया है 1, 2, 3, ये आएगा 0, 3, 2, ये कितना आएगा 2, 0, 4, कराओ जरा अब एक्सपेंड करा लो, 1, 12 - 0 - 2, 0 - 4 + 3, 0 - 6, ये आएगा 12 + 8 - 18, सोचते रहना 2, सोचते रहना -2,
आईवासन, आईवासन, समझ भी रहे हो। अब क्या आएगी? प्रॉपर्टी नंबर सिक्स्थ है। प्रॉपर्टी नंबर अब क्या लगाऊंगा बेटा? सिक्स्थ है, सिक्स्थ है, सिक्स्थ है, सिक्स्थ। ओके बेटा, गुड बाय। आज पांच प्रॉपर्टीज को पढ़ो, फिर मैं अगले लेक्चर में बाकी की दो प्रॉपर्टीज करा दूंगा और कुछ ऑपरेशन, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन कर लेंगे। इन पांचों को पढ़ लेना, ठीक है? अभी क्वेश्चन कोई भी नहीं करना, पहले पांचों प्रॉपर्टी को पढ़ लो। 4.1 होगी ना आपकी कंप्लीट। ओके, गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे वी डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। आज थोड़ा सा काम करें। हमने कल पांच प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। ओनली बोलूं तो रो का हर एलिमेंट या कॉलम का हर एलिमेंट 0 0, दो रो या दो कॉलम सेम तो 0, रोज या कॉलम वाइज एपी बन जाए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन तो 0। फिर हमने एक अगली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर दे, ट्रांसपोज तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहती है? सेम। रोज को कॉलम में चेंज कर दो, वैल्यू डिटरमिनेंट क्या रहेगी? ओके, सेम। फिर लास्ट वाला जो बिल्कुल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या पढ़ा था? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम इफ रोज आर चेंज इन टू कॉलम। फिर दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी? नेगेटिव, नेगेटिव। फिर अब आएगी प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स में चलेंगे, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स में चलेंगे। क्या भला? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम। पहले समझो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम, वैल्यू जो होगी डिटरमिनेंट की सेम होगी इफ वी ऐड, अगर हम ऐड करा दें, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इन एनी रो और कॉलम, किसी भी रो में और कॉलम में सम स्केलर मल्टीपल ऑफ, स्केलर का मतलब 2, 3, हाफ, -2, a, k, मल्टीपल ऑफ एनदर रो कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लिखा हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग सुना हुआ है ना? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती थी? जब उनका ऑर्डर सेम होता था और कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मल्टीपल कहता है, वैल्यू डिटरमिनेंट रिमेन सेम, वो तो मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, या तो ऐड करा लो या सब्ट्रैक्ट करा लो, और है इन एनी रो और कॉलम सम स्केलर मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एन अदर रो और कॉलम। समझे जरा इस प्रॉपर्टी को? इस प्रॉपर्टी का दूसरा नाम होता है ऑपरेशन। इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऑपरेट करना, ऑपरेशन। कैसे लगता है? देखो जरा, कहता हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, अगर इफ हुई ऐड और सबट्रैक्ट इन एनी रो कॉलम, किसी भी रो कॉलम में ऐड या सबट्रैक्ट करा दें सम स्केलर, ऐड या सबट्रैक्ट करा दें सम स्केलर मल्टीपल ऑफ, सम स्केलर मल्टीपल 2, 3, 4, 1/2 टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इंटरेस्टिंग है, समझने का। जैसे एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनदर रो कॉलम। जैसे एग्जाम्पल, मान लो आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ 2, 3, 1, 0, 3, 1, 5, 1, 0, मान लो ये दिया हुआ, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड करते हो बाय रो वन से करते हो, तो जैसे एक्सपेंड कराओगे तो क्या आएगा? 2। जिस रो जिस कॉलम में हाइड करा दो, अब तो करना वाली बात है, 0, -1, -3। जिस रो जिस कॉलम में आएगा -5, सोचना -5, 0, -5, प्लस का 1, 0, -15, तो ये आएगा -2, +15, माइनस का 15, कट जाएगा -2, आंसर है। ये मैंने एक सिंपल डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया अभी तक। अब मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ। प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको समझो। कहता है अगर हम ऐड करा देंगे या सब्ट्रैक्ट करा देंगे,
आपकी मर्जी ऐड कराओ या सब्ट्रैक्ट कराओ, आपकी मर्जी से क्या मतलब है, क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर डिपेंड होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि आपको किसी क्वेश्चन में किसी को ऐड करना पड़ेगा या फिर किसी को क्या कराना पड़ेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट। ऐड या सब्ट्रैक्ट जो कराओगे, ऐड कराओगे या सब्ट्रैक्ट कराओगे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर वो कह रहा है आप ऐड करा सकते हो या सब्ट्रैक्ट, समझो ना, मल्टीप्लाई ना डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा सकते। कहता है किसी भी रो में, R1 में, R2 में, R3 में, आपकी मर्जी है, रो 2 ले लो, रो 1 ले लो, रो 3 ले लो, या किसी भी कॉलम में, कॉलम 1 ले लो, कॉलम 2 ले लो, या कॉलम 3 ले लो, कुछ भी कर लो, यहाँ रो 2 ले लो, कुछ भी ले लो, ऐड कराओ या किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में। सम स्केलर, सम स्केलर का मतलब क्या हो गया, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, -1/2 टाइम्स, के टाइम्स, 7/2 टाइम्स, कितने भी टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो रो के साथ, रो के साथ कॉरस्पॉन्डिंग अनदर रो और कॉलम के साथ क्या चलेगा बेटा, कॉलम, मेरा मतलब कॉलम 3+2 टाइम्स रो 2 नहीं कर सकते, 2 टाइम्स रो 1 नहीं कर सकते, 2 टाइम्स रो 3 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, रो 1 नहीं कर सकते, रो 2 नहीं कर सकते, कॉलम है तो कॉलम ही ऐड होगी, चाहे C1 कर लो, चाहे C2 कर लो, C3 नहीं कर सकते, ना रो 1 कर सकते हो ना बेटा रो 2, ना रो 3, ना C3, क्यों, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, एनदर, एनर का मतलब क्या हो, किसी दूसरी कॉलम के साथ, मतलब मन के साथ। तो कहता है आंसर यही रहेगा, जो है वही रहेगा, मतलब रो 2 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/2 टाइम्स रो 1, आंसर यही रहेगा, मेरा मतलब R1 पे अप्लाई कर दो, R1+1/3 टाइम्स R2 चल जाएगा, C1-2 टाइम्स C3 चल जाएगा, C1+2 टाइम R2 नहीं चलेगा, R1-2 टाइम C2 नहीं चलेगा, C2+K टाइम C1 चल जाएगा, C3+3 टाइम C3 नहीं चलेगा, C1+3 टाइम C1 नहीं चलेगा, ये क्या आएगा, एन अदर कॉलम, ठीक है, और ये क्या आएगा, किसी भी कॉलम में, एनी कॉलम, किसी भी कॉलम में, सम मल्टीपल टाइम, स्केलर मल्टीपल टाइम, किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू डिटरमिनेंट सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने R2 पे अप्लाई करना है, R2 पे लगाना है, इसको बोलते हैं अप्लाई का सम, R2+2 टाइम R1, चीज यही है, सिर्फ एक ये चीज लिखते इसको इस तरह से, मतलब अगर आपने रो 2 में 2 टाइम्स रो 3 या रो 1 ऐड करनी है, रो 2 में क्या ऐड कराना है, 2 टाइम्स रो 1 ऐड करनी है, तो इसको लिखते इस तरह से, और R2 में अप्लाई कर दो, ये साइन होता है अप्लाई का, ये साइन किसका होता है, ऑपरेट का, ऑपरेट कर दो या अप्लाई, कुछ टीचर ऑपरेट बोलते हैं, कुछ अप्लाई बोल देते हैं, अप्लाई कर दो R2+2 टाइम्स R1, तो कहता वैल्यू डिटरमिनेंट की सेम। हम ये इसलिए लिखते हैं या इसलिए बुक्स वाले लिखते हैं ताकि बच्चे की गाइडलाइन रहे, बच्चे को ये रहे कि मेरा R2 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। R2 चेंज होने का मतलब क्या है, रो 1 कितनी थी, रो 2 कितनी थी, समझ भी रहे हो, रो 2 कितनी थी, रो 3 कितनी थी, कितनी है रो 1, 2, 3, 1 और रो 3, 5, 1, 0, कौन चेंज हो रहा है बेटा, कौन चेंज हो रहा है, रो 2, क्या चेंज होगा, रो 2 0+2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स 2 R1 कितना है, 2, ये कौन सी रो चल रही है, R1, कंफ्यूज नहीं होना, ये कौन सी चल रही है बेटा, R2, फिर R2 करो, R2 कितना होगा, 3+2 टाइम्स R1, 2 × 3, फिर अगला करो R2, 1+1, क्यों, ये रहा 1+2 टाइम्स 1, थोड़ा इसको लिख लो, कितना बनेगा बेटा, 2, 3, 1, 4, 9, 3, 5, 1, 0, तो कहता वैल्यू, वैल्यू कहता सेम।
क्या मतलब, इसको सॉल्व करके कितना आया था, इसको भी सॉल्व करके कितना आएगा, माइनस टू कर लीजिए, टू जीरो माइनस थ्री माइनस का थ्री, जीरो माइनस फिफ्टीन प्लस का वन, फोर माइनस 45 देख लेते हैं, माइनस का 6 प्लस का 45, समझ रही है, माइनस का 41, 47 प्लस 45 सोचो कितना आ गया, माइनस 45। ये सर हमें कैसे पता चलेगा, कितना स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ये कितनी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएं, ये काके अंडरस्टूड होता है, क्या मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, हमें नहीं बता सकते, क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, जैसे आई का ऑर्डर क्वेश्चन पे डिपेंड होता था, आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। तो कहते हैं क्वेश्चन बताते हैं कितने टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, पर ये गारंटी है कुछ भी स्केलर टाइम मल्टीप्लाई या कुछ भी स्केलर टाइम ऐड कराओ, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या रहेगी, कहते हैं रिमेन सेम रहेगी। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक ऑपरेटर उठाया, एक ऑपरेशन उठाया, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इसी क्वेश्चन को सोचूं, ये मैंने डिटरमिनेंट ये लिखा हुआ है 231031510, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2। अब मैं क्या करूँगा, इसमें लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी, मान लो आप C2 पे लगा देते हो, C1 पे लगा लेते हो, C3 पे लगा लेते हो, किसी भी लगा सकते हो, C3 पे अप्लाई कर रहे हो या C1 पे, C1 प्लस K टाइम C3 लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। C1 पे क्या लगा रहे हो बेटा, C1 प्लस K टाइम्स C3, C3 पे लगाना है C3 पे लगा लो, वो आपकी मर्जी है। तो बेटा इससे ये पता चलता है चेंज कौन होगा, काके चेंज कौन होगा, इससे काके C1 चेंज हो जाएगा, C1 चेंज हो जाएगा, तो C1 को देखते हैं, पहले मैं C2 और C3 को लिख दूँ, 331110, मैंने K टाइम लिया, RD मैटर्स, तो C1 कितना है 2 प्लस K टाइम्स C3 कितना हो गया 3, C1 कितना है 0 प्लस K टाइम C3 कितना हो गया 1, 5 प्लस K टाइम कितना हो गया 0। अब मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, उससे पहले इसको लिख लूँ 2 प्लस 3 K K 5 3 1 3 1 1 0। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा देखो इसको कितना आएगा, इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, अभी एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर दो, आइए जरा का कि क्या आएगा, 2 प्लस 3 K दिस माइनस दिस 0 माइनस 1, अगर एक्सपेंड करना आता तो चल दूं आगे, 3 0 माइनस 5 प्लस का 1। अब आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, एनी हाउ ये कितना आएगा, -2 -3 K माइनस माइनस प्लस 15, माइनस प्लस 15, आगे बोलिए बेटे कितना आएगा, के माइनस का के माइनस का 15 आएगा। मैंने क्या किया है, मैंने कॉलम वन में अप्लाई कर दिया, कॉलम वन प्लस के टाइम कॉलम थ्री लगा दिया, तो कॉलम थ्री लगाया ना बेटा, तो 2 प्लस K टाइम्स कॉलम थ्री में कितना आएगा, ये थ्री आएगा, कॉलम थ्री ऐड करना था, कॉलम थ्री में कितना आएगा, ये वाला बेटा एलिमेंट वन वन आएगा ना बेटा, कॉलम थ्री में कितना है वन, अगर कॉलम टू करता तो कितना आता बेटा, थ्री आता, करके थ्री आता, फिर C1 में कितना आएगा, 0 प्लस K टाइम 1, फिर 5 प्लस K टाइम 0, तो कहता है यहाँ पे K रह गया, तो वैल्यू कितनी आएगी, सोचो एक्सपेंड किया, 2 प्लस K मैंने हाइड करा दिया, 0 माइनस 1, फिर माइनस का 3 आया, 0 माइनस 5, फिर 1 आया, K -15, तो सॉल्व करिए ये कितना आएगा, -2 -K प्लस का 15, K -15। चलिए देखिए जरा, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, कुछ कैंसिल होगा, के से के कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, कितना आएगा, के माइनस का, ये बात के
जरूरी नहीं है वो स्केलर 1 2 3 ही हो, वो कोई भी आप ऐड, कोई भी आप सब्ट्रैक्ट करा सकते हो किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में, तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, काफी सेम आएगी, ये कहना चाह रहा है। एक आधा और दे देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। वो कहता है किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, मान लो C2 में लगाना चाहते हो, C2 प्लस T टाइम C1, थोड़ा डायरेक्ट लगा दो आप, मेरा C2 चेंज होगा तो C1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 205 110, सोचना C2 3 है, T टाइम C1 3 प्लस 2T, फिर अगला क्या आएगा, C2 3 प्लस, कहता है T टाइम C1 0, 3 रहने का सोचो, अगला कितना आएगा 1 प्लस T टाइम C1, T टाइम C2 कितना 1 प्लस T टाइम C1 कितना आएगा बेटा 5T। अब इसको क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो, जैसे इसको एक्सपेंड कराओगे क्या आएगा, 2 कितना आएगा 0 माइनस 1 माइनस 5T, सोचना अगला कितना आएगा 3 प्लस 2T, सॉल्व करो 0 माइनस का 5, अगला सॉल्व करो 1 0 माइनस का 15, देख लेते हैं कितना बन रहा है, माइनस 2 माइनस 10T माइनस माइनस प्लस 15, प्लस आगे 10T, फिर कितना आ गया माइनस का 15 से 15, टी से टी कट जाएगा सोचो, 10T था, तो कितना रह गया आपका, ये बोला गया 215। अब आइए समझ में, वो गलती से यहाँ पे बन गया 3 लिख दिया था ना, तो आपको लग रहा था आएगा कितना C3 है, C3 एलिमेंट कौन सा है 1, तो इधर 1 है, समझ गए हैं, समझ आया बात को। चलिए अगली प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है 7। कर दो अब 7 प्रॉपर्टी, आर डिटरमिनेंट कैन बी स्प्लिट अप इनटू, एक डिटरमिनेंट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें भला, टू डिटरमिनेंट में, कौन सी प्रॉपर्टी 7th है, आर डिटरमिनेंट कैन बी स्प्लिट अप, टूट जाएगा इनटू टू डिटरमिनेंट में इफ ईच एलिमेंट ऑफ आर रो और कॉलम इज सम और डिफरेंस होगा ऑफ टू एलिमेंट्स, टू की जगह एक और लिखो, टू और मोर एलिमेंट्स। वो कहते हैं डिटरमिनेंट को आप कितने भी डिटरमिनेंट में आप तोड़ सकते हो, अगर ईच एलिमेंट क्या हो जाए, सम और डिफरेंस हो जाए टू डिटरमिनेंट का, फिर टू एलिमेंट्स का, इसको एडिशन, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट। इस प्रॉपर्टी का एक दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है प्रॉपर्टी का सेकंड नेम क्या होता है, एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, ऐड कैसे होते हैं इसको हम इस तरह से देखा जाता है। एनी हाउ पहले प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको देख लें, वो कहता है अगर रो में या कॉलम में, रो में या कॉलम में ALMNPQ कॉलम में, या फिर और रो में भी हो सकता है, रो में भी ए प्लस बी बी प्लस ई जी प्लस एच सम हो जाए या डिफरेंस हो जाए, हार्ड नहीं मानना, रो का हर एलिमेंट सम में या डिफरेंस में आ जाए, दोनों सम नहीं हो सकते हो सकते हैं, दोनों माइनस नहीं हो सकते हैं, बाकी क्या रह गया पी क्यू आर पी क्यू आर एस टी यू, तो कहते हैं ऐसे डिटरमिनेंट को कहते हैं हम एक्सपेंड कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट में, जितनी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी
उतनी इनके टुकड़ों की वैल्यू होगी। क्या मतलब? पहले वाले जो डिटरमिनेंट में हम लिखेंगे वो पहले वाले कॉलम के एलिमेंट, मतलब ये क्या थी, कॉलम वन थी, तो ए सी जी नो सी जी, फिर क्या आएगा के एम पी, फिर क्या आएगा एल एन क्यू प्लस बी डी एच, बी डी एच के एल एम एन पी क्यू। पहले आराम से देख लो, फिर क्वेरी करना, पहले आराम से देख लो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस अकेले डिटरमिनेंट को सॉल्व करूं, सॉल्व कर एक्सपेंड करूं, जितना आंसर आएगा और इसको सॉल्व करूं और इसको सॉल्व करके ऐड करा दूं, उतना ही कहता इसका आंसर आएगा। एक रफ एग्जांपल देता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है। ये प्रॉपर्टी कह रही है अगर आप इसको सॉल्व करते हो ए बी एम माइनस या प्लस बी सी क्यू प्लस एल एन एम माइनस पी जी एच आ गया मान लो, तो कहते हैं इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका ए बी एम प्लस बी सी क्यू, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा एल एन एम माइनस पी जी एच। जब दोनों को ऐड कराऊंगा, इसको सॉल्व करके आया, इसको सॉल्व करके आया, इसको सॉल्व करके ये आंसर आया, तो ये सारे जो बनेगा वो इन दोनों को ऐड करके वही आंसर आएगा, वही कहना चाहता है। समझ रहे हो आप? कहते हैं इसको हम कितने डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं, कहते हैं दो में। जब कॉलम का हर एलिमेंट सम में हो या डिफरेंस ऑफ क्या हो टू एलिमेंट्स हो, ये मतलब था इस प्रॉपर्टी का। तो कहता है अगर मुझे इसको ब्रेक करना है, इसमें तीन एलिमेंट हैं, इक्वल्स टू है, पहले वाले में क्या आएगा ए डी जी पी क्यू आर एस टी यू प्लस अगला क्या आएगा बी ई एच अगला पी क्यू आर एस टी यू प्लस अगला क्या आएगा सी एफ के P Q R S T U ये समझो, समझियो। पहले A वाले टूटेंगे, फिर B E H आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? अगर सर बीच में माइनस होता तो ऑब्वियस ही बात है क्या आ जाता, माइनस आ जाता। अगर यहाँ माइनस होता तो ऑब्वियस ही बात है क्या आ जाता, यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है, पहले इसको समझ। अब मैं आपके डाउट्स जो आपके होंगे उनका मैं जवाब दूंगा पहले एक एक करके। अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा होगा, पहले इस बात को समझ चुके हो, समझ चुके हो। सबसे पहला डाउट आप पूछ चुका है, मैं रब कर रहा हूँ इसको। पहले क्या ए डी जी बी एच माइनस था तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, बाकी ठीक है बेटा। काफी कुछ पूछना है ना, पूछना है आपने, पूछो पर एक एक करके, एक मैं इसको रब कर दूंगा। यहाँ से कुछ पूछना है तो पहले बता दो, तो प्लस था तो प्लस आ गया, माइनस होगा तो माइनस आ गया। हाँ जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हो, यही पूछना चाहते हो, पूछो। ये वीडियो में से क्या पूछना आपने, बोल दो आप, हाँ वहां से अपने लिप्स में बोलो कि सर ये पूछना चाहता हूँ, मुझे सुनाई दीजिएगा, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। सर अगर ऐसा हो जाए दो प्लस के साइन है, एक माइनस का साइन है, या दो माइनस के एक प्लस का है, या फिर प्लस है या माइनस है, सर अब कैसे करूंगा। चल पहला क्वेश्चन आप बैठ जाओ, जिसने पूछा करके बैठ जाओ। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ करके, इसको a प्लस बी था, a प्लस बी सी माइनस डी था, सी माइनस कर दूं प्लस और माइनस डी, बस ये बता रहे, ये माइनस था, माइनस को ऐसे लिखू, ए लिखू, समझ जाएगा सब साइन सेम ना, तो प्लस ऑफ माइनस डी, सोच ऑब्जेक्शन टू। फिर अगले वाले को क्या लिखूंगा, जी माइनस एच है, जी को क्या बनाऊं प्लस, तो माइनस एच, क्यों प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो इसको कैसे लिखूंगा बता सकते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में लिखते हैं, प्लस इनटू क्या कर दिया माइनस एच, समझ रहे, बाकी को तो चेंजिंग जरूरत नहीं। अब क्या होगा ए सी, बीच में सारे क्या बना दिए, बीच में सारे बेटा क्या बना, कभी क्या बना दिए प्लस, रह गया क्या करके बता, बी बी, पर अब डी नहीं रह गया, क्या रह गया बता, बी अगला क्या रह गया माइनस का डी, अगला क्या रह गया माइनस का एच, ये चीज रह गई, समझता है, समझते हो। तो ये आएगा बी ए एल माइनस डी एम एन माइनस एच, और पी क्या आ जाएगा क्यों,
तो अब इसको तुमने तोड़ दिया, प्लस प्लस प्लस, और बीच वाले क्या आ गए दोनों, क्या बना दिए, नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से। और अगला क्वेश्चन पूछो, अगर इस तरह से आ जाए ए प्लस बी, समझ आ गया, बीच में ये नेगेटिव आ गए। अब अगर इस तरह से आ जाए, मान लो ए प्लस बी है, ये सी है, प्लस डी है, ये जी आ जाए, इसमें तो दो का सम आ गया, इसमें भी दो का सम आ गया, इसमें अकेला आ गया, जी आ गया, तो क्या सर हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं क्या दो में, क्या इसको भी ब्रेक कर देंगे सी प्लस डी को, कर सकते हैं बिल्कुल। सी प्लस क्या लगा लेंगे, जी था, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो किस तरह से ए प्लस बी आ गया, सी प्लस डी आ गया, जी प्लस, यहाँ क्या लगा दूं, ओ नहीं है ये क्या लगा दूंगा, जीरो जीरो, जीरो प्लस टू टू, जीरो प्लस ए ए, जीरो प्लस जी जी, तो ये क्या लगा दूंगा, जीरो, तो जी था तो उसके साथ क्या लगा दूं, इट इज जीरो। अब क्या कर दूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा, अब ब्रेक करके कितना आएगा बताओ, ए सी जी, बाकी तो वैसे एज इट इज रहेंगे, ये क्या बन जाएगा, बी डी, अब बी कितना आ गया, पॉजिटिव, और ये कितना बन गया है, जीरो जीरो, दिस विल बी जीरो, नॉट ओ, ओ नहीं है ये कहीं, अल्फाबेटली ओ सोचो, समझ रहे हो, कहीं ओ सोच लो इसको, ओ जैसे एग्जांपल है, टू प्लस ए थ्री प्लस फाइव, टू प्लस फाइव थ्री प्लस वन सेवन आ जाए, वन टू थ्री फोर फाइव वन, तो कहीं ये सोचो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, टू प्लस फाइव थ्री प्लस वन सेवन प्लस जीरो, ये एज इट इज चलेगा, टू फोर वन, इसके दो एलिमेंट बन गए, टू थ्री सेवन वन थ्री फाइव टू फोर वन प्लस प्लस फाइव वन जीरो है ये, जीरो जीरो, ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर सर यहाँ पे भी सी आ जाए तो क्या यहाँ भी लगा सकते हैं, लगा लीजिए, फिर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, जीरो। अगर सर यहाँ पे भी आ जाए ए तो यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं, लगा लो, खेलते रहो क्वेश्चनों के साथ, जीरो लगा के फायदा क्या होगा, जब सारे जीरो हो गए तो एक ही रह गया ए सी जी, ये तो वैसे भी जीरो बन जाएगा, तो इसका फायदा क्या होगा, कोई यूज ही नहीं होगा, तो काके लगाएगा कहाँ पे, जब ए प्लस सी प्लस डी हो, एक आधा ना हो, तब लगाने का फायदा है, अदरवाइज तो क्या जरूरत पड़ेगी, खेलना थोड़ी ना क्वेश्चनों के साथ। अब लास्ट डाउट है, पूछो आप क्या पूछते हो, बोलो, अगर सर दो का सम आ जाए ए प्लस सी प्लस डी जी प्लस एच आ जाए, और के प्लस एल आ जाए एम प्लस एन, मतलब दो रो में सम ऑफ दो एलिमेंट आ जाए पी क्यू आर, तब हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं, तब ऐसे चल पड़ेंगे सर, ये आ गया आपके पास, मैंने क्या कर दिया ए सी, पहले वाला एलिमेंट ए सी जी, इसका के एम एच, के एम एच पी क्यू आर, प्लस अगले वाले का देखो बी डी, ये रहा बी, ये रहा डी, ये रहा एच, फिर एल एन के, एल एन के पी क्यू आर, इस तरह से लिख दें, जैसे ब्रेक किया था ए की क्या थी कॉलम, या ए की क्या होती थी रो, तो हमने अलग अलग कर लिया, ए सी जी बी डी, जीरो था तो चलो जीरो डाल दिया, अगर कोई और होता तो कोई और आ जाता, क्या हम दो रो में आ जाए, तो क्या हम ऐसे लिखते हैं ए सी जी के एम एच फिर एल एन के बी बी डी एच, बाकी तो ऐसे कैसे करते, नहीं फिर ऐसे नहीं लिख सकते, कहीं ऐसे ब्रेक कर लो, एक टाइम में आर डिटरमिनेंट कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू, सकता है टू डिटरमिनेंट, टू डिटरमिनेंट में इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, एक टाइम में एक रो, आपने इसमें दोनों रो को ब्रेक कर दिया है, मतलब हम कैसे कर सकते हैं, पहले एक को ब्रेक करो, एक को ब्रेक करने का मतलब ए सी जी, ठीक है, बाकी एज इट इज, मतलब के प्लस एल एम प्लस एन एच प्लस के, बाकी नीचे क्या आ गया पी क्यू आर प्लस, फिर अगला लिखिए, अगला कितना आ गया बताओ बी बी, बताओ लास्ट में एच, फिर कितना आएगा के प्लस एल एम प्लस एन एच प्लस के, मतलब ये सेकेंड रो एज इट इज चली, एक टाइम में कौन से स्प्लिट है एक रो, इसको क्या बोलते थे आप रो, तो एक टाइम में एक रो ब्रेक होनी आर वन, फिर क्या रहेगा बेटा पी क्यू आर, अब
अब आगे ब्रेक होंगे, मतलब टोटल डिटरमिनेंट कितने बन जाएंगे, एक थे इसे दो बने, दो से आगे चार डिटरमिनेंट बनेंगे, कौन कौन से देखो जरा, ए सी जी के एम एच पी क्यू आर, फिर क्या आएगा ए सी, नेक्स्ट वाले में प्लस आ गया ना बीच में था प्लस, अब कितना आएगा ए सी जी, फिर क्या आएगा एल एन के, फिर क्या आएगा पी क्यू आर, समझ रहे हो, जैसे अमीबा को नहीं तोड़ते थे, भूल गए टेंथ में, तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़े कर दो तो फिर दोबारा इकट्ठा, तो इन सबको इकट्ठा करोगे दोबारा ही बन जाएगा, इसको आप इसमें तोड़ सकते हो, समझ रहे हैं, प्लस अब इसको ब्रेक करो बी डी एच के एम एच, कितना आ गया बी डी एच के एम एच, फिर अगला कितना चलेगा पी क्यू आर प्लस ये जी है जी, कहीं सोचो ये चल रहा है ना बी डी, अच्छा एच था ये जी, तो यहाँ पे आएगा जी, तो कितना आ गया बी डी एच के एम एच, अगला पी क्यू आर, अगला क्या चलेगा लास्ट वाला बी डी एच, लास्ट वाला बता सकते हो एल एन के, फिर क्या आएगा पी क्यू आर, तो ये चीज चलेगी, तो हमने डिटरमिनेंट में अगर दो रो में आ जाए तो एक टाइम में पहले एक रो तोड़ोगे फिर फर्दर आगे दो रो तोड़ोगे, टोटल डिटरमिनेंट कितने बन गए एक दो तीन चार, समझे हो, ऐसे नहीं इकट्ठे तोड़ देना, ठीक है, समझ आ गई है, एक क्वेश्चन दे दूं, कुछ और पूछना तो बोलो, एक और डाउट है पूछो, सर अगर ऐसे आ जाए ए प्लस बी सी प्लस डी जी प्लस एच के एल एम एन पी क्यू है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि पहले लिख दिया ए फिर डी फिर जी, पहले लिख दिया ए फिर डी फिर जी लिख दूं, आगे पीछे कर दूं, फिर मैं यहाँ पे लिख दूं बी फिर मैं सी लिख दूं और फिर एच लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं सर, आगे पीछे कर सकते हैं कि ए सी जी ही तोड़ना है, ए सी जी ही, ए डी जी भी तोड़ सकते हैं ए डी जी, अब आपसे पूछ लेते हैं क्या मैथ में सी प्लस डी और डी प्लस सी एक ही होता है, टू प्लस थ्री और थ्री प्लस टू एक होता है, होते हैं, तो सी प्लस डी सोचो या क्या सोच लो, सी प्लस डी को क्या सोच लो, डी प्लस सी एक ही तो बात है, चाहे क्या सोच लो सी प्लस डी, चाहे क्या सोच लो डी प्लस सी, तो क्या मैंने कहा था ए डी जी, तो बन सकता है सी प्लस डी को क्या लिख सकता हूँ मैं मैथ में डी प्लस सी, तो क्या बन गया ए डी जी बी सी एच, तो बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, ये समझ आ गया कैसे ब्रेक करना है, एक टाइम में एक रो फिर अगली रो, बस ऐसे ही अगले वाले को भी ब्रेक करना, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करके आना, देखो जरा इसको स्प्लिट कराना, नेक्स्ट फिर लेक्चर में पूछूंगा, चेक कर लूंगा आपसे, देखो जरा एक इसको ब्रेक करो, अभी बैठ के ब्रेक करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड प्लस एच प्लस वाई, फिर अगला जाएगा वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बताओ इसको ट्राई करके मुझे बताना कितना आंसर आता है, ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में चेक करूंगा, तो नोटबुक्स करके आना, ओके okay.